ये तीन परिवारों ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए पूरे देश भर में एंटी करप्शन ब्यूरो था, मगर ये तीन परिवारों ने मेरे जम्मू कश्मीर के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो को घुसने नहीं दिया। मैं समझ नहीं पा क्यों घुसने नहीं दिया। जब यहां आया एक साल पहले एक जर्नलिस्ट ने कहा कि साहब एंटी करप्शन ब्यूरो अगर बनेगा तो वो ही धर लिए जाएंगे, वो भला क्यों करेंगे। मुझे बताओ माताओं भाइयों बहनों, इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हो, गरीबों का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ना चाहिए क्या? जरा जोर से बोलिए, चढ़ना चाहिए क्या? मोदी जी ने तय किया है गरीबों का पैसा गरीब तक पहुंचेगा। मित्रों, आज मैं पूछने आया हूं फारूक साहब और महबूबा जी को, आप हिसाब लाइए 70 साल तक ये तीन परिवारों ने शासन किया, कितना इन्वेस्टमेंट आया जम्मू कश्मीर में, कितनी इंडस्ट्री आई, कितने कल कारखाने लगे, कितने युवाओं को रोजगारी मिली। 70 साल के अंदर सिर्फ 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया और मोदी जी ने ये 3 साल में 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज जम्मू कश्मीर में लाने का काम किया है। पहले ये टेररिस्ट हॉटस्पॉट था, आज टूरिस्ट हॉटस्पॉट है। मित्रों, कश्मीर में घाटी में सबसे ज्यादा साल के 6 लाख सैलानी आया करते थे। आज मैं यहां पर अक्टूबर में आया हूं, जोर से ताली बजाइएगा, पहले 6 लाख आते थे, अक्टूबर तक 22 लाख प्रवासी यहां आ चुके हैं, जिससे कितने युवाओं को रोजगारी मिली और ये सिलसिला आगे बढ़ने वाला। पहले क्या दिया घाटी के युवाओं, मैं बताता हूं आपने क्या दिया। महबूबा जी, फारूक साहब, आपने घाटी के युवाओं के हाथ में पत्थर पकड़ा, बंदूक पकड़ा और मोदी जी ने यहां पर इंडस्ट्री लाकर उसके हाथ में मोबाइल और लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है, जिससे युवा अपने आप को रोजगार युक्त कर पाए। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब एक बात बताना चाहता हूं, दहशत गर्दी से कभी किसी का भला हो सकता है क्या? आतंकवाद ने दुनिया में किसी का भला किया? ऐसी कोई घटना हो तो मुझे आतंकवाद के पैरोकार जो है वो बता दे, दहशत गर्दी से किसी का भला नहीं है। जम्मू कश्मीर के 42,000 लोग 90 से लेकर आज तक दहशतगर्दी के भेंट चढ़ गए, आतंकवाद के भेंट चढ़ गए। मुझे बताइए भाइयों बहनों माताओं, ये 42,000 लोगों की मृत्यु के लिए कौन जिम्मेदार है? ये तीन परिवार ने शासन किया, वो जिम्मेदार है। अब आतंकवाद धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। कुछ लोग यहां पर पाकिस्तान की बात करते हैं, मैं आज उनको कहना चाहता हूं, कभी भी आप आइए हमारे लोगों के साथ बैठिए, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में कितने गांव में बिजली है इसका हिसाब लेकर आइए। मैं बताता हूं, आज हमारे कश्मीर के अंदर हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है। माताओं भाइयों बहनों, भगवान न करे आपके घर में कोई बीमारी आ जाए तो मोदी जी ने 5 लाख तक का इलाज पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। 77 लाख लोगों को कार्ड देकर आज इलाज के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं कर। 1 लाख लोग ऐसे थे जिनके पास ये बर्फीली हवाओं में भी रहने का पक्का घर नहीं था। 70 साल तक मुक्ति एंड कंपनी ने
शासन किया, मगर 1 लाख लोगों को घर नहीं मिला था। मोदी जी ने 14 से लेकर 22 तक कश्मीर में और जम्मू में 1 लाख लोगों को घर देने का काम किया है। मित्रों, ये सबसे बड़ी उपलब्धि। मित्रों, लगभग 12,41,000 इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी है, 12 लाख परिवारों को गैस का सिलेंडर देकर चूल्हे के धुएं से मुक्ति देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लगभग 11,87,000 किसानों के अकाउंट में हर साल 6,000 रुपया जमा किया जाता है। जल जीवन मिशन के तहत 58% लोगों के घर में नल से जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरा कर दिया। मित्रों, आप एक बात बताइए, ये मुझे सलाह देते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करो। मुझे सलाह देते हैं, जिन्होंने 70 साल तक यहां राज किया वो लोग सलाह देते हैं पाकिस्तान से बात करो। मेरा स्पष्ट मत है, मैं पाकिस्तान से बात करना नहीं चाहता। मेरे 12 मुल्ला के गुर्जर, पहाड़ी और बकरवाल भाइयों को बात करना, मैं कश्मीर के युवाओं को बात करना। जरा खुली नजर से, खुले दिमाग से सोचिए, जिन्होंने दहशतगर्दी फैलाई इसने कश्मीर का क्या भला किया? आज पूरे देश के सभी राज्य आगे बढ़ रहे हैं, कश्मीर को भी वो रेस के अंदर आए। हमें आतंकवादी के बताए हुए रास्ते पे नहीं है। कश्मीर का युवा देश के विकास में जुटे, कश्मीर का युवा पढ़ लिख कर नौकरी प्राप्त कर उद्योगों के साथ जुड़े, एक करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसमें आपका सहयोग दीजिए। मित्रों, 2 मॉडल है, एक तो मोदी जी का मॉडल है जो विकास, शांति, सद्भाव और रोजगारी देता है, और एक भुक्कार मॉडल है। भुक्कार मॉडल ने क्या किया? पुलवामा का अटैक करा दिया। और आज मोदी जी ने क्या कहा? पुलवामा में 2000 करोड़ के खर्चे से अस्पताल बनाने का काम किया। भुक्कार मॉडल क्या कर रहा है? पाकिस्तानी आतंकवादियों को लाल जादम बिठाकर यहां पर ला रहा। मोदी मॉडल क्या कर रहा है? 56,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को जमीन पर उतारकर मेरे 12 मुल्ला के युवाओं को रोजगारी देने का काम ये नरेंद्र मोदी मॉडल कर रहा है। मित्रों, युवाओं के लिए भुक्कार मॉडल में क्या है? पत्थर है, बंद कॉलेज है, हाथ में मशीन गन है। नरेंद्र मोदी मॉडल में क्या है? IIM है, IIT है, एम्स है, NIT है, NEET है। युवा को पढ़ाई लिखाई चाहिए अब्दुल्ला साहब, युवा के हाथ में पत्थर नहीं चाहिए। पर मित्रों, युवा के हाथ में से पत्थर लेकर पढ़ाई लिखाई कराने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, हमने एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू की। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जैसे ही चुनाव आयोग का मतदाता सूची बनाने का काम समाप्त हो जाएगा, पूरी पारदर्शिता के साथ कश्मीर के अंदर चुनाव करा दिए जाएंगे। आपके खुद के चुनाव नुमाइंदे यहां पर शासन करेंगे। माताओं, बहनों और भाइयों, मैं परिसीमन की बात करना चाहता हूं। पहले जो परिसीमन किया, डिलिमिटेशन किया, ऐसे किया था कि आप कुछ भी करो ये 3 परिवार के लोग ही चुनकर आएंगे। मोदी जी ने जिस प्रकार की दखल नहीं की और आज चुनाव आयोग ने जो डिलिमिटेशन किया है, इसके परिणाम स्वरूप आपके ही नुमाइंदे जीत कर आएंगे, आपके नुमाइंदे ही यहां पर शासन करेंगे। मित्रों,
दहशतगर्दी से मोदी जी ने लगभग लगभग कश्मीर को मुक्त कर दिया है। और आज मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, दहशतगर्दों का साथ गांव में भी कोई देता है तो उसको समझाइए, उसको वापस लाइए, उसको मेन स्ट्रीम में लाइए। दहशतगर्दी से, आतंकवाद से कश्मीर का भला नहीं होने वाला, कश्मीर का भला जमहूरियत से होने वाला, कश्मीर का भला इंडस्ट्री लगने से होने वाला, कश्मीर का भला एम्स लगने से होने वाला है, कश्मीर का भला आईआईएम लगने से होने वाला है। मित्रों, बारामूला के अंदर एक जमाने में जब ये तीन परिवार का शासन था, 132 करोड़ का बजट था, कितना था बारामूला वालों बताइएगा, 132 करोड़, जरा जोर से बोले कितना था, 132 करोड़। और 2022-23 में मोदी जी के शासन में 132 करोड़ से बढ़ाकर 1515 करोड़ तक पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बीडीसी और पीडीसी के लिए 110 करोड़ रुपया अलग से दिया है। बारामूला में सरकारी मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जो यहां के बच्चों को डॉक्टर बनाकर कश्मीर के गरीब भाइयों बहनों का इलाज कराने का काम करेगा। एक्सप्रेसवे नारवल से बारामूला तक राष्ट्रीय राजमार्ग और बारामूला से उरी तक 850 करोड़ की लागत से एक्सप्रेसवे बनाया है। गुलमर्ग से पर्यटक बारामूला आना चाहते हैं, बारामूला बाबा रेसी गुलमर्ग तक 43 किलोमीटर का सड़क 85 करोड़ के खर्च से बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। मित्रों, 847 करोड़ रुपए से 1.5 लाख परिवारों को शिक्षा के क्षेत्र के तहत आज शामिल करने का हमने फैसला किया है। जो मेडिकल कॉलेज लगेंगे वो मुफ्त अस्पताल भी चलाएंगे। 5 नए डिग्री कॉलेज डांगी बाचा, हाबीपुर, बोनियार, क्रीरी और मुंबई में स्थापने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और बारामूला की मेरे क्षेत्र की बच्चियों के लिए 100 बिस्तर की क्षमता के साथ गुर्जर बकर वालों का एक बच्चियों का छात्रालय रेसिडेंस स्कूल भी बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 402 पंचायतों में 2 स्टेडियम और हर पंचायत के अंदर खेल के मैदान बनाए हैं। 10 करोड़ रुपया की लागत से 2 इंडोर स्टेडियम भी बन रहे हैं। और गुलमर्ग में, सिर्फ मैं गुलमर्ग की बात करता हूं, आपसे सटा हुआ है, 4 लाख प्रवासी आए थे, 4 लाख टूरिस्ट आए थे, उससे बढ़कर 13 लाख टूरिस्ट सिर्फ सितंबर माह तक गुलमर्ग में आ चुके हैं। मित्रों, आज मैं कहना चाहता हूं कि हजारों करोड़ रुपए की बिजली के कारखाने लगे, हजारों करोड़ रुपए की सिंचाई की योजनाएं लगी हैं, और ये सारा जब लगता है तो समृद्धि कश्मीर की घाटी में भी आने वाली है। माताओं, भाइयों, बहनों, रेल नेटवर्क के सुधार के लिए उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का काम शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 3167 करोड़ रुपया की 119 नई सड़कें बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मित्रों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जो इंडस्ट्रियल पैकेज लेकर आए हैं उसके तहत 56,000 करोड़ का निवेश आज देश से कश्मीर के अंदर आया है, जिसके तहत 5 लाख लोगों को रोजगारी मिलने की संभावना है। 5 लाख युवाओं। मित्रों, विकास इसलिए हो रहा है कि यहां अलगाववाद की बात करने वाले आज साइड ट्रैक मेडिकल कॉलेज 2047 14 तक, मैं बबुआ जी और फारूक साहब सुन ले, 2047 से 2014 तक आपके परिवारों ने शासन किया, सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेज बनाए थे,
14 से 22 तक 9 मेडिकल कॉलेज नए बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 15 नर्सिंग कॉलेज बनाए, पहले 500 डॉक्टर यहां से निकलते थे, अब 1300 डॉक्टर यहां से निकलकर देश भर की और जम्मू कश्मीर की सेवा करेंगे। कश्मीर में एम्स बनाए, कश्मीर में नीट बनाए, अनंतनाग बारामूला वहां पर नई मेडिकल कॉलेज बनाई है, नीट कश्मीर में बनाए है, जम्मू और कश्मीर में 2 क्लस्टर विश्वविद्यालय बनाए हैं, बीएससी नर्सिंग कॉलेज और 2 कैंसर इंस्टीट्यूट भी कश्मीर में बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को ये करने आया हूं कि धारा 370 के कारण मेरे गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों आरक्षण का फायदा नहीं मिलता। आप लोगों को अब तक आरक्षण मिलता था क्या बताइए? मिलता था? शिक्षा में भी नहीं मिलता था, सरकारी नौकरियों में भी नहीं मिलता था, चुनाव के अंदर भी आपको आरक्षण नहीं मिलता। मोदी जी ने धारा 370 हटाई और अब एसटी का आरक्षण मिलेगा। इसके साथ साथ मोदी जी ने एक आयोग बनाया, जस्टिस शर्मा का आयोग, इसने फिर से एक बार एससी एसटी ओबीसी का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करकर जातियों को जोड़ा। और मैं आज कहने आया हूं, गुर्जर, बकरवाल और मेरे पहाड़ी भाइयों को इसके तहत अब आरक्षण मिलने लगेगा। भाइयों बहनों, हमने कहा कि आरक्षण मिलेगा और अब्दुल्ला साहब गुर्जर भाइयों को भड़का रहे हैं कि आपका काम हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं गुर्जर भाइयों को, अब्दुल्ला साहब ने दिया है क्या? उन्हें तो कुछ नहीं दिया, मगर मैं कहना आया हूं कि पहाड़ियों को भी मिलेगा मगर गुर्जरों का 1% कम नहीं होगा। गुर्जरों को जितना है उतना मिलता रहेगा और उसके साथ मेरे पहाड़ी लोगों को भी आरक्षण मिलेगा। मोदी जी ने जो व्यवस्था करी है, ये व्यवस्था ही खुशहाल जम्मू कश्मीर का रास्ता है। मैं आप फिर से एक बार पूरी घाटी के मेरे भाइयों बहनों को कहने आया हूं, दिल में बड़ा दर्द होता है, किसी ओर से भी एक व्यक्ति, एक इंसान जब मारा जाता है, किसी भी इंसान के कंधे पर सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? किसी भी इंसान के कंधे पर सबसे बड़ा बोझ अपने बेटे की अर्थी का होता है। भाई, अपने बेटे की अर्थी का 42 से 4 लोग मारे गए, कभी कोई नेता का बेटा नहीं मरा, कभी नहीं मरा, 42 से 4 लोग गरीब हो। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर में से अलगाववाद समाप्त हो, जम्मू कश्मीर में से आतंकवाद समाप्त हो और जम्मू कश्मीर भारत का स्वर्ग बनकर रहे, वो हम चाहते हैं। माता और भाई बहनों, मैं आज आपको बड़े विनम्र भाव से अपील करना है, ये लोग कहते हैं पाकिस्तान से बात करिए, मैं चाहता हूं हम आपसे बात करें। वो लोग कहते हैं पाकिस्तान की सुनिए, हम कहते हैं घाटी की आवाम की सुनिए। और ये लोग कहते हैं कि इनको जरा संभाल कर रखिए, मैं आपको कहता हूं दहशतगर्दी इसको मोदी सरकार सहन नहीं करेगी, दहशतगर्दी को हम जम्मू कश्मीर से उखाड़ सकते हैं। भाई बहनों, माताओं, जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास, चाहे घाटी हो, चाहे जम्मू, चाहे श्रीनगर हो, चाहे मेरा बारामूला, सब जगह सर्वांगीण विकास का काम हमने हाथ में लिया है। आप लोग मेन स्ट्रीम के अंदर आइए, विकास की एक प्रक्रिया के साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। यही अभ्यर्थना करकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की।